ऐसा लगा पहला और दूसरा मैच। अब ये जो मैच है वो तीसरा मैच है। अब जो पहला और दूसरा मैच था वो मैंने एक मोन्टाज टाइप बना के आगे क्यों लगाया वो भी आपको मैं रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि जिस मैच में मैं जल्दी मर जाता हूँ, जिसमें मेरे 5-6 किल हो जाते हैं, तो वो मैं मोन्टाज टाइप बना के आगे लगा देता हूँ, ताकि आपको पता चलता रहे किसी किसी मैच में मैं जल्दी भी मरता हूँ, और जिस मैच में मैं लंबा सर्वाइव करता हूँ, मतलब एंड तक सर्वाइव करता हूँ, वो मैच में मैं वॉइस ओवर करके आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे खेला और कैसे सर्वाइव किया, किस तरीके से मैं पुश कर रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पर उतरते ही मेरे साथ एक गलत सीन हो जाता है। पहली बात तो ये, मुझे कोई गन नहीं मिलती। दूसरी बात तो ये कि मेरे साथ एक बंदा कूद जाता है और उसको गन मिल जाती है। अब देखो उसको कैसे भरते हैं। यहाँ पर मेरा लक बहुत अच्छा था। मेरी आदत है मैं गन जैसे मिल जाए, चाहे पिस्टल मिले चाहे ऑटो मिले, मैं बाहर निकल के ऊपर देखता हूँ कि कोई कूद तो नहीं रहा आसपास, तभी पता चलता है कि भाई साहब ये कूद चुके हैं। अब इसे मैं पिस्टल से मारने की कोशिश करता हूँ, बट बंदा काफ़ी डरा हुआ था। पता नहीं भाई इसको किस चीज़ का डर था, शायद ये अच्छी खासी लीक पे होगा इसीलिए डर रहा होगा। बट मतलब भाई क्या ही बोलूँ, मतलब गन होने के बावजूद उसको पता है मेरे पास पिस्टल है, फिर भी नहीं मार रहा मुझे। अब यहाँ पर सीन क्या होता है, अब मेरा लक कितना अच्छा है, देखो यहाँ पर मैं होल्ड करता हूँ और सामने से बंदा आता है। देखो यहाँ पर मैंने होल्ड किया, सामने बंदा आया, नीचे बोट आ गया। अब उसका ध्यान बोट की तरफ चला जाता है, यहाँ से मैं इसको मार देता हूँ। इसको मारने के बाद अब बोट को भी मैं मार के उसका भी किल ले लेता हूँ। अब बंदे को क्या लगता है, नीचे भी रियल बंदा है, ऊपर भी रियल बंदा है, बट ये था बोट जिसकी वजह से मैं बच गया। अब यहाँ पर फ्री फंड के 2 किल मिल गए हमें। अब किल मिलते ही मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है जब मेरे 1-2 किल हो गए या फिर गन मिल गई उतरते ही, अगर गाड़ी है पास में तो मैं गाड़ी गोल गोल घुमाता हूँ, क्योंकि इसी टाइम पे सारे बोट आपस में इधर उधर भाग रहे होते हैं। कहीं पर भी आप गाड़ी लेके जाओगे ना कहीं एक आधा बोट मिल जाता है। पर मेरी किस्मत इतनी नल्ली थी कि मुझे एक भी बोट नहीं मिला। अब बोट तो मुझे मिला नहीं, तो मैं बंदों को ढूंढते ढूंढते अपार्टमेंट पहुंच गया। अब यहाँ पर देखो मेरी फाइट होती है और कैसे मारते हैं बंदों को। तो जैसे ही मैं गाड़ी से उतरता हूँ, गाड़ी से उतरते मुझे साउंड आ जाता है बंदा नीचे ही है। तो मैं इधर से नहीं घुसता, क्योंकि मुझे इधर से ही साउंड आ रहा था, तो मैं पीछे से घुसता हूँ। पीछे से घुसने के बाद यहाँ पर मैं TPP लेता हूँ, देखने की कोशिश करता हूँ कि बंदा यहीं तो नहीं TPP ले रहा। तो मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, देखता हूँ कि सामने ही बंदा है, और मैं मोली यहाँ पर कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं मरते मरते फिर से बचा, क्योंकि अगर वो फायर कर देता सही से तो वो मार सकता था मुझे। बट उसने देखा कि उसको मोली शायद लगी होगी, या फिर इसी वजह से वो पीछे गया, उसको हल्का फुल्का टच हुआ होगा। तो यहाँ पर अब मैं सोचता हूँ कि इसे कैसे मारूँ, वो बंदा खुद ही पुश कर देता देखो। तो यहाँ पर उसकी मुझे कोई भी गोली नहीं लगती, बट मैं उसे अच्छी तरीके से मार देता हूँ। मारने के बाद मुझे पता चलता है कि और भी बंदे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो मेरे ही घर के अंदर एक और साउंड आ रहा है मुझे, ठीक है। अब मैं ऊपर जाता हूँ, इस वाले को देखना कैसे मारूंगा। अब मुझे पता चल जाता है कि ये छत पे है, और ये छत पे से हिलेगा नहीं, और मैं अगर जाऊँगा तो ये मुझे भर देगा। अब इसे मैं कैसे मारता हूँ वो देखना। अब मुझे नीचे से साउंड आता है, मैं नीचे की तरफ देखता हूँ, तो वहाँ पर देखो खिड़की से एक बंदा भागा। अब इस वाले बंदे को तो मैं मार नहीं पाता, बट एक बोट आता है उसको मैं जरूर मार देता हूँ। यहाँ पर बोट आया, मैंने बोट को भरा। अब बोट को मारने के बाद वो वाला बंदा कहाँ गया जो खिड़की पे था, वो देखो सामने। अब ये वाला बंदा उधर आता है, पता नहीं पेटी लूटने आता है क्या करने आता है मुझे नहीं पता, बट जैसे ही आता है मैं मारने की कोशिश करता हूँ, वो भाग जाता है। अब ऊपर वाले बंदे को देखो कैसे मारते हैं। पहले तो मैं स्मोक वगैरह अच्छे से कर देता हूँ, फिर मैं पुश कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि वो राइट साइड में है, तो मैं लेफ्ट साइड जाके आराम से इसे मारता हूँ स्मोक के अंदर से। एंड यहाँ पर इसे मारने के बाद इसकी पेटी लूटता हूँ एंड यहाँ से निकल जाता हूँ।
अब जैसे ही मैं यहाँ से निकलने वाला था तभी मुझे साउंड आता है कि मेरी साथ वाली बिल्डिंग में भी बंदा है। भाई साहब अपार्टमेंट में अगर आओ ना तो अच्छे खासे किल मिल जाते हैं अगर आप सही से अपार्टमेंट को समझ लेते हो, और समझने के बाद आपको पता चल जाता है कि भाई कैसे आपको पुश करके मारना है या फिर होल्ड करके मारना है। तो यहाँ पर मैं साउंड ही सुनना चाहता था तभी वो बंदा हिला, और जैसे ही वो हिला मुझे साउंड आ गया कि वो कहाँ पर है। ठीक है, जैसे ही मुझे साउंड आया मैं थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पर फिर से वो हिला और मुझे दोबारा से साउंड आ गया। तो यहाँ पर साउंड आ गया तो मैं थोड़ा सा होल्ड करके मारना चाहता था, अच्छे तरीके से समझना चाहता था कि वो किस कमरे में है। तो मैं होल्ड करता हूँ फिर धीरे धीरे ऊपर जाता हूँ। अब यहाँ पर देखो भाई कितना तगड़ा बंदा है ये, देखो भाई साहब, मतलब भाई क्या था ये। तो यहाँ पर मैंने जिनको जिनको मारा सभी की पेटियाँ लूट ही रहा था तभी मुझे हल्का सा साउंड आता है कि बाहर कोई गाड़ी आई, और मैं भाग के जाता हूँ। भाग के जाने के बाद यहाँ पर मैं होल्ड करता हूँ, देखता हूँ कि यहीं आएगा, बट वो इधर आता ही नहीं है। शायद उसको वहाँ पर कोई बोर्ड दिखा था जिसको इसने मारा अभी, एंड उसके बाद इसकी गाड़ी फटने ही वाली थी। मुझे पता चल गया था कि भाई इसकी गाड़ी फटने वाली है, तो शायद ये वहाँ पर होल्ड करेगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, नहीं तो कोई भी फोड़ देगा ना रास्ते में। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ एंड यहाँ आके रुकता हूँ, एंड देखो फिर कैसे मारते हैं इसे। ये देखो, मुझे पता नहीं था ये नीचे ही है, अभी इसने खुद ही रिवील कर दिया ये नीचे है। अब इसको देखो कैसे मारता हूँ मैं खिड़की से कूद के, ये बूम बाम, चलो निकलो पहली फुर्सत में, कोई ज़रूरत नहीं है हिंदुस्तान को आपकी, तुम जाओ लॉबी में और नया मैच स्टार्ट करो। तो जैसे ही मैं उस बंदे की पेटी लूट के हटा ही था तो मुझे स्कूल से फायर आने लग गया, तो मैंने सोचा चलो इस पे पुश कर देते हैं, अच्छे खासे किल हो गए हैं, तो यहाँ पर इस पे पुश करके इसको भी मारते हैं और अच्छे खासे किल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्कूल आता हूँ, पहले तो मुझे पता नहीं होता कि वो बंदा कहाँ पर है क्योंकि उसने बिल्कुल भी साउंड नहीं दिया जब मैं आया। तो मैं यहाँ पर होल्ड करता हूँ और साउंड सुनता हूँ, और तभी मुझे पता चलता है कि वो बंदा छत पे है। भाई साहब ये हुई ना बात, यही तो सुनना था। अब यहाँ पर आने के बाद मुझे पता नहीं चलता वो छत पे है तो है कहाँ पर छत पे, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ। अब यहाँ पर देखो फिर से साउंड आया, अब मैं समझता हूँ कि वो कहाँ पर है पहले, फिर मैं सोचता हूँ कि हाँ यार इसी वाली छत पे तो है। दोबारा से ऊपर जाके देखता हूँ एंड फिर से देखता हूँ, भाई पता ही नहीं चल रहा कहाँ पर है। फिर मैं पेटी देखता हूँ ना, जब तक मुझे पता चलता है कि वो इसी पेटी को लूट रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर मैं नेड करता हूँ एक सबसे पहले, तो नेड देखो कैसा नेड है, ये किसी काम का नेड नहीं है, आप सोच रहे होगे, कोई बात नहीं दोबारा करते हैं, रुको जरा सब्र करो, मारेंगे यार ये। फिर से किया, अब देखो अब हम करेंगे पुश, इजी 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 इजी। चलो अब हमारे हो गए थे 8 किल, अब देखो आगे क्या करते हैं हम। तो 8 किल करने के बाद मैं बंदों की तलाश में निकल गया, घूमता रहा पागल की तरह घूमता रहा, कहीं बंदा ही ना मिले। अब यहाँ पर आ गया साउंड, अब मेरे मन में फूटा लड्डू, मैंने बोला एक और किल, चलो जी गाड़ी रोकते हैं। अब गाड़ी तो मैंने रोक ली बट मुझे नहीं पता बंदा कहाँ पर है, अब बंदे को ढूंढे कैसे। तो मैंने सोचा पहले इस घर में घुसे, साउंड नहीं आया, अब चलते हैं अगले घर में। अब इस वाले घर में आया, क्योंकि जिस घर में बंदा होगा या तो रेंगने का साउंड आ जाएगा या तो फिर चलने का साउंड आ जाएगा, इधर उधर होने का साउंड आ जाएगा। अब मैं आता हूँ अगले घर में, तो यहाँ पर आते ही मुझे आ जाता है साउंड। अब मैंने बोला भाई अब आएगा ना मजा भिड़ू, चलो तुम नेड करते रह जाओ, हम यहाँ पर तुम्हारी पुंगी बजा देंगे। अब कोई भी नेड खींचे ना जैसे सोलो के अंदर घुस जाओ, क्योंकि अगर AKM है तो भाई वो बंदा नहीं है, अगर आपके पास AKM नहीं है, गन पावर आपकी अच्छी है तो भी आप मार सकते हो, ठीक है ना। AKM होगा तो भाई एक भी हेड लग गया तो भाई बंदे का काम तमाम है। अब यहाँ पर हो गए थे हमारे 10 किल, मेरे मन में और लड्डू फूटने लग गए क्योंकि अच्छा गेम प्ले निकल जाएगा, बंदे खुश हो जाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, जो कि आप करते नहीं हो, तो फटाफट से लाइक कमेंट करो, फिर आगे की स्टोरी बताता हूँ आपको मैं। अब मेरे अच्छे खासे किल तो हो गए थे, इसीलिए मैं सर्वाइव करना चाहता था, तो मैं गाड़ी लेके घूम रहा था और यहाँ पर मुझे दिखता है एक बंदा, तो इस बंदे को भी इजीली मार देते हम। अब यहाँ पर जो मेरे साथ सीन होने वाला आप देखना, एक बंदा मेरे पीछे हाथ धो के बढ़ जाएगा भाई, और वो मुझे मारेगा नहीं ना जब तक, तब तक वो सांस नहीं लेगा, देख लेना। यहाँ पर गए हम, ठीक है, अब मैं सीधा जा ही रहा था, अभी देखो क्या होता है। यहाँ पर मेरे पे साउंड आया और ये बंदा भाई काफ़ी अच्छा खेल रहा था और काफ़ी अच्छा स्प्रे भी था, देखा होगा आपने। अब यहाँ पर मैं वेट करता हूँ कि वो आएगा, तभी मुझे पता चलता है कि पीछे से आ गया जोन। अब मैं होल्ड भी नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा कि चलो यार बाद में फाइट लेंगे इससे, अभी जोन में निकलते हैं। तो वो देखो वो लेके निकला अपनी गाड़ी, मैं लेके निकला अपनी गाड़ी। अब यहाँ पर एक और गाड़ी खड़ी थी, मुझे लगा यहाँ पर बंदा होगा बट मैंने देखा बंदा था नहीं। अब यहाँ पर एक और स्प्रे आया, मतलब कि इधर भी बंदा, इधर रुक नहीं सकता मैं। अब देखो क्या होता है, कैसे मरता हूँ मैं, देखो आप, वो देखो पीछे पड़ा हुआ है मेरे, और एक बंदा पीछे से स्प्रे मुझे ही दे रहा है, उसको नहीं दे रहा स्प्रे। अब मैं यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या करता हूँ,
कि मैं इसे मारने की कोशिश करता हूँ गाड़ी रोक के, और मैंने तो गाड़ी रोकी नहीं, वो उतर के स्प्रे भरने लग गया और मेरी गाड़ी की हालत कर दी इसने पंचर। अब मुझे गाड़ी रोकनी ही पड़ी, वैसे मैं रोकना नहीं चाहता था और कोई अच्छा कवर भी नहीं था, तो मैंने पत्थर का कवर बनाया और इस पर स्प्रे लेने की कोशिश की। देखो अब आगे आप वॉइस ओवर नहीं करूँगा मैं, आप गेम प्ले देखो। पहले मैंने सोचा वॉइस ओवर रहने देता हूँ, फिर मैंने देखा कि भाई बहुत बड़ा गेम प्ले बन रहा है, इस वजह से मैंने पार्ट कट कर दिया। अब यहाँ पर मेरे पे एक बंदा स्नाइपर का शॉट लेता है और मुझे वो दिख जाता है। अब मैं जान के इधर उधर हिल रहा था ताकि वो एक और शॉट ले, उसकी रीलोड हो और तभी मैं भर दूँ, है ना काम की ट्रिक। चलो अब यहाँ पर एक और बंदा हमने मार दिया। अब यहाँ पर देखो वो बंदा अभी तक मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वहीं पर है। अब उसकी लोकेशन मुझे नहीं पता, अब वो कहाँ पर है मुझे नहीं पता। अब देखो मेरे साथ क्या गंदा सीन होता है और मैं कितने गंदे तरीके से मरता हूँ भाई। मुझे बहुत गुस्सा आया था क्योंकि यहाँ पर ये वाला मैच मेरा चिकन डिनर था, क्यों मुझे लोकेशन नहीं पता। वो साला इधर उधर पहाड़ी से घूम के साला मेरे राइट से लेफ्ट में आ जाता है और मैं राइट में ही देखता रह जाता हूँ। इधर आती है मेरे पे एक शानदार वाली मोली, अभी देखना। और मैं ये बार बार हिल क्यों रहा हूँ इधर उधर, अगर कोई मारे मुझे दूर, ये देखो आ गई मोली भाई। हिल मैं इसीलिए रहा था कि भाई अगर बाई चांस कोई स्प्रे करता है तो क्या पता बच जाऊँ, है ना हल्का। अरे लो खुद ही मोली लगा ली भाई, कितना नल्ला बंदा हूँ मैं, कितना न्यू प्लेयर हूँ मैं भाई। मोली लगा ली और यहीं पर यही मेरी गलती हो जाती है। अब मैंने मोली लगा ली, अब वो बंदा मेरे, ये लो नेड भी आ गया भाई। बंदा वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया, पता नहीं कौन से जन्म का बदला लेना था उसने मेरे से। देखो ये आया और ग्रोजा थी बंदे पे, और ये बंदा भाई मुझे क्या बोलूँ भाई, क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा था ये नल्ला साला, तीन की गेड़ी है। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देख लो कौन से टायर पे है, वो डायमंड पे है अभी, ठीक है ना। और अच्छी लो भी आ रही है और केड़ी भी देख लो, और 200 मैच खेल चुका है तब डायमंड पे पहुंचा हूं मैं, 30-40 मैच खेल के डायमंड पे पहुंच गया। तो प्रो मैं हूं या वो है बताओ, कमेंट करके बताओ। ये देखो साला क्या मार रहा है भाई, क्या मार रहा है। चलो छोड़ो इसका गेम प्ले क्यों दिखाऊं मैं, अपना दिखाऊंगा अगली वीडियो में। बाय बाय।